हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है वी ऑल लाई। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेल लीड शोहांग से, जो कि अपने घर में था। तभी घर में एक लड़की आकर बोलती है कि हनी, मैं वापस आ गई हूँ। जिन्हें देखकर लगता है कि शायद ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब जब ये दोनों साथ में रोमांटिक मोमेंट एंजॉय करने ही वाले थे, तभी बाहर से आवाज़ आती है जिससे दोनों ही डर जाते हैं। और हमें पता चलता है कि असल में ये लड़की शोहांग की वाइफ नहीं है, बल्कि उसकी वाइफ तो बिजनेस ट्रिप पर गई हुई थी। वो इस आवाज़ को नज़रअंदाज करके फिर से अपने मोमेंट एंजॉय करने लगते हैं, पर तभी वो लड़की शोहांग से इंतजार करने के लिए बोलकर बाहर जाती है। बाहर जाते ही हम देखते हैं कि उस लड़की का कोई कत्ल कर देता है। वो उस लड़की को आवाज लगा रहा था, लेकिन उसके बदले वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है जिसके हाथ में चाकू था। वो उसे डरते हुए शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि उसे सब कुछ एक्सप्लेन करेगा, लेकिन वो उसके पास आकर उसकी जान ले लेती है। यहाँ से फिर हम एक इवेंट को देखते हैं और हमें पता चलता है कि असल में एक स्टोरी थी जो कि हमारे ड्रामा की फीमेल लीड सूली ने लिखी थी। वो एक बहुत ही पॉपुलर स्क्रिप्ट राइटर है जिसकी कहानियाँ सभी को काफी पसंद आती हैं। यहाँ इंटरव्यू के दौरान हमें एक बात पता चलती है कि सूली ने अब तक जिन भी ड्रामा के लिए स्क्रिप्ट लिखी है उसमें उसका हस्बैंड शोहांग इस बार 4th time एज अ लीड रोल काम करने वाला था। अब इतनी बार उसे कास्ट करने का जब रिपोर्टर सवाल पूछती है तो सूली जवाब देती है कि ये मेरा हस्बैंड है तो मुझे इसे पैसे नहीं देने पड़ते। फिर वो कहती है कि ये सिर्फ मजाक था, मेरा हस्बैंड होने के अलावा शोहांग एक बहुत ही काबिल एक्टर है। अब उसे खुद पर इतना ट्रस्ट करता हुआ देखकर शोहांग भी सभी के सामने उसको थैंक्स कहता है और उसका हाथ पकड़कर उसे आई लव यू भी बोलता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शोहांग जब अकेला था तभी उसकी को स्टार नाना उसके पास आकर पीछे से उसे हक कर लेती है, जो चीज शोहांग देखकर काफी शौक हो जाता है और बोलता है कि वो ये सब क्या कर रही है। तो वो कहती है कि मैं काफ़ी टाइम से तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ और तुम्हें काफ़ी पसंद भी करती हूँ। शोहांग बोलता है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, पर नाना को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी ड्रेस खोलकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाती है। इतने में सूली वहाँ पर आ जाती है जिसे देखकर शोहांग उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने लग जाता है, पर वो पहले से ही साथ जानती थी। वो सीधा नाना के पास आकर उसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि तुम्हारी हरकत के लिए मैं तुम्हें लीड रोल से निकाल रही हूँ। लेकिन नाना के अंदर कुछ ज़्यादा ही घमंड भरा हुआ था। वो बोलती है कि तुम नहीं जानती कि मुझे किसने रिकमेंड किया है, पर सूली जानती थी कि उसे मिस्टर सन ने रिकमेंड किया है। इसीलिए जब नाना उन्हें फ़ोन कर रही थी तो सूली फ़ोन उनसे लेकर उनके सामने दो ऑप्शन रख देती है कि या तो नाना यहाँ से चली जाए या फिर मिस्टर सन अपनी कंपनी के पैसे वापस ले ले। ये बोलकर वो शोहांग के साथ वहाँ से चली जाती है और नाना को इस रोल से अब हाथ धोना पड़ जाता है। घर आने के बाद शोहांग अब जब खाना बना रहा था तभी सूली वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि मेरे हनी को खाना बनाना भी आता है, एक्टिंग भी आती है, आखिर मुझे इतना परफेक्ट हनी कैसे मिल गया। इस पर शोहांग कहता है कि मुझे तुम्हारी तरह दूसरों की तारीफ करनी नहीं आती, पर सूली बोलती है कि ऐसा नहीं है, तुमने मुझे प्रपोज करते वक्त काफी प्रेज किया था। जो सुनकर अब शोहांग वही बात ही दोहराने लग जाता है जो उसने सूली को प्रपोज करते टाइम बोली थी। वो कहता है कि जब मैं तुम्हें पहली बार देखा मुझे तभी समझ में आ गया था कि मेरी लाइफ का ट्रू लव तुम हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ग्रेविटी है जो चीजों को मिलवाती है, और हमारा मिलना भी डेस्टाइन ग्रेविटी थी। तो क्यों ना हम जिंदगी भर के लिए एक दूसरे का हाथ थाम ले ताकि तुम दुनिया की दूसरी सबसे खुशकिस्मत इंसान बन सको। जब सूली पूछती है कि दूसरे क्यों, तो शोहांग कहता है कि क्योंकि दुनिया का सबसे पहला खुशकिस्मत इंसान मैं बनना चाहता हूँ, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। पर सूली उससे पूछती है कि कहीं तुम्हें अफसोस तो नहीं होगा कि तुमने मुझसे इतनी जल्दी शादी कर ली, क्योंकि तुम्हारी बढ़ती फॉलोइंग से काफी यंग लड़कियों से तुम्हारी मुलाकात होगी। पर वो उसे यहाँ पर चढ़ाते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एक ऑक्टोपस मेरे से चिपका हुआ है। दोनों भी एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि उन दोनों की मैरिड लाइफ काफी अच्छी चल रही है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। रात में अब जब सूली वॉशरूम जाने के लिए उठती है तो शोहांग के फोन पर किसी का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था आई मिस यू स्वीट हार्ट। सूली जैसे ही वापस आती है तो उसकी नजर फोन पर पड़ती है जिसकी लाइट ऑन थी, लेकिन फिर उसे नजरअंदाज करके सो जाती है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर वो उसे कल रात के मैसेज के बारे में पूछती है कि भला इतनी रात को तुम्हें कौन मैसेज कर रहा था। जो सुनकर वो थोड़ा सोचकर कहता है कि वो मिस्टर वू थे, वो मुझे काफी टाइम से याद कर रहे थे और साथ में ड्रिंक करना चाहते थे। सूली के एक्सप्रेशन से देखकर युवांग समझ जाता है कि उसे यकीन नहीं हुआ है, तो वो उसे उनकी चैट दिखा देते हैं जिसमें मिसी वाले मैसेज के बाद ड्रिंक्स के लिए उन्होंने इन्वाइट किया था। ये देखने के बाद वो चैन की सांस लेती है। अब जब बाद में सूली कबर्ड में कपड़े सेट कर रही थी तभी उसे शोहांग की पॉकेट से शूज का बिल मिलता है, जो देखकर उसे लगता है कि शोहांग उसे सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन वो हैरान होती है जब उसे पता चलता है कि इसमें मेंशन साइज तो उसका है ही नहीं। पर वो सोचने लग जाती है कि शायद उसने कहीं गलती से गलत साइज तो नहीं ऑर्डर कर दिया। सूली अब अपने ऑफिस जाने के बाद वहाँ पर ऑडिशन ले रही थी क्योंकि सुहांग के ड्रामा से उसने फीमेल लीड को निकलवा दिया था। तभी सुहांग वहाँ पर किसी लड़की के साथ आता है
जिससे वो उसे इंट्रोड्यूस कराकर कहता है कि इसका नाम सिंडी है, ये हमारी कंपनी में नई है और एक्टिंग में भी काफी अच्छी है। तभी सोली की नजर यहाँ पर सिंडी के पैरों पर पड़ती है, जहाँ उसने उसी ब्रांड के शूज पहने हुए थे जिसकी स्लिप उसे शुहांग की पैंट से मिली थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो वो सोच रही है वो सही है या फिर गलत, इसलिए वो कैंडी को बाद में भेजने के लिए बोलती है। फिर जब शुहांग का फोटोशूट चल रहा था तब सोली उसके शूट पर आ जाती है, जहाँ हमें पता चलता है शुहांग की एजेंट सोली की कॉलेज टाइम की फ्रेंड भी है जिसका नाम जाओ है। आपस में बातें करने के बाद जाओ उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है, पर तभी सोली देखती है कि सेम शूज वैन ने भी पहने हुए थे। फिर हम यहाँ से एक इवेंट देखते हैं जहाँ पर बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर को अवार्ड दिया जाने वाला था, जो कि सोली को मिलता है। अवार्ड लेने के लिए वो स्टेज पर आती है, जहाँ होस्ट यिंगयिंग उससे बोलती है कि इस मौके पर तो तुम्हें मुझे ट्रीट देनी चाहिए, जिसके लिए वो मान जाती है। अब इवेंट के बाद में हम देखते हैं कि यिंग के पास एक प्रोड्यूसर मिस्टर जांगो से अपने अगले ड्रामा में कास्ट करना चाहते थे, पर इसके लिए उनकी नज़र यिंग पर कुछ ठीक नहीं लग रही थी और वो उसे वियर्ड वे में टच कर रहा था। ये चीज़ जब सोली देखती है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है, उससे कहती है कि तुम्हारे पास पैसा है तो क्या इसका मतलब तुम जो चाहे वो कर सकते हो। फिर वो उसे जलील करते हुए बोलती है कि मेरे पास एक एक्टर की कमी है जो कि शेमलेस प्लेबॉय का किरदार निभा पाए, इस रोल के लिए ना आप बिल्कुल परफेक्ट रहोगे। जिसके बाद वो यिंग को अपने साथ लेकर चली जाती है। रात को अब सोली जब यिंग को डिनर पर लेकर जाती है तब यिंग उसे बताती है कि इस साल उसे कोई भी रोल नहीं मिला है। लास्ट रोल जो उसने प्ले किया था वो एक विलन का था, जिसे करने के बाद उसे काफी हेट मिला था। तो सोली उसे समझाती है कि इसका मतलब तुमने विलन का रोल काफी अच्छे से प्ले किया। अभी वो वहां से जा रही थी कि तभी सोली को उसकी पहचान का डायरेक्टर जांग मिस वांग के साथ दिख जाता है, जहाँ बातों में सोली उन्हें यिंग यिंग को अपनी अपकमिंग कास्ट के लिए हायर करने का सजेशन देती है और वो उन्हें बताती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड काफी टैलेंटेड है। फिर जब सोली मिस वांग से मिस्टर वू के बारे में बात कर रही होती है तब उसे पता चलता है कि उनका तो पिछले महीने एक्सीडेंट हो गया था और वो बेस्ट रेस्ट पर है। ये सुनते ही वो हैरान हो जाती है और सोचने लग जाती है कि अगर ये बात सही है तो भला मिस्टर वो इस हाल में शुहांग को मैसेज करके ड्रिंक करने के लिए क्यों बुलाएंगे। वापस जाते वक्त सोली के मन में यही सब चल रहा था, जिसे इतना परेशान देख कर यिंग इसका कारण पूछती है। तो सोली उससे कहती है कि मैंने पता लगा लिया है कि शुहांग मुझे झूठ कह रहा है, वो मुझे चीट कर रहा है। तो यिंग उसे बोलती है कि ये सब ना तुम्हारे काम का असर है, मैं जो तुम्हारे हस्बैंड को ठीक से जानती भी नहीं हूँ उसे भी पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हो, तो चीट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर यिंग को ड्रॉप करते वक्त सोली उसे बोलती है कि मैंने अभी तक सिर्फ तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में सुनाई है, कभी उसे मिलवा भी दो। इस पर वो कहती है कि वो काफी बिजी रहता है और ज्यादातर अब्रॉड है, इसलिए फिर कभी मिलवाऊंगी। अब वहां से जाते वक्त सोली उसके पैरों में भी वही शूज नोटिस करती है, लेकिन इस बार वो इन पर कुछ खास ध्यान नहीं देते। यहाँ से फिर हम सुहांग को देखते हैं जिसे किसी का मैसेज आता है आई मिस यू, जिसके बाद वो ड्राइवर को गाड़ी घुमाने के लिए कहता है। सीना वापस से सोली पर आता है जिसे सुहांग का इंतजार करते हुए काफी देर हो चुकी थी। जब शुहांग घर पर वापस आकर उसे गले लगाता है तो उसे काफी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, जो कि काफी अजीब बात थी क्योंकि उसने बताया था कि वो मीटिंग के लिए गया है और वहाँ पर कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं लगा था। वह उसे डायरेक्टली पूछ लेती है कि क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो, जिसके जवाब में शुहांग कहता है कि मीटिंग में सभी स्मोक कर रहे थे, उस स्मेल को हटाने के लिए मैंने परफ्यूम यूज किया है क्योंकि तुम्हें स्मोक पसंद नहीं है, तुम चाहो तो मिस्टर वू से पूछ सकती हो। तो सोली बताती है कि मैं वापस आते हुए मिस्टर वू की वाइफ से मिली थी, जिन्होंने मुझे बताया कि उनका तो एक्सीडेंट हो गया और वो बेड रेस्ट पर है। ये सुनकर शुहांग टेंशन में आ जाता है। इतने में उसे मिस्टर वू का कॉल आ जाता है, जो देखकर सोली उसे कॉल उठाकर स्पीकर पर डालने के लिए कहती है। जैसे ही वो ऐसा करता है तो सामने से मिस्टर वू की आवाज़ आती है, जिन्होंने दरअसल शुहांग को बताने के लिए फोन किया था कि वो अपना लाइटर उनके यहाँ पर ही भूल गया है। जिनसे बात करने के बाद शुहांग सोली से कहता है कि क्या अब तुम्हें यकीन हो गया, जो सुनकर वो उसे माफी मांगने लग जाती है और बोलती है कि शायद मैं अपनी स्क्रिप्ट में कुछ ज्यादा ही खो गई थी। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के घर पर सभी लोग डिनर करने के लिए आते हैं, जहाँ पर शुहांग किचन में अपने हाथों से खाना बना रहा था, पर तभी जाओ की सेक्रेटरी बताती है कि उसे अर्जेंट यहाँ से जाना होगा, जो सुनकर जाओ परेशान होती है क्योंकि पार्टी के बाद वही सभी को ड्रॉप करने वाली थी, पर सोली उसे यहाँ से भेज देती है। जहाँ से जाते वक्त वो शुहांग को ही देख रही थी। इतने में यिंग को पता चलता है कि उसके घर में शायद गैस लीक हो रही है, जो सुनकर वो घबरा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। जब ये बात सोली को पता चलती है तो वो शुहांग को उसके साथ जाने के लिए कहती है ताकि वो उसकी मदद कर सके, पर हम देखते हैं कि जैसे ये लोग घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर मेकआउट करने लग जाते हैं,
इसका मतलब सूली का शक बिल्कुल सही था कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है, पर उसने ये नहीं सोचा था कि वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड होगी। अपना काम होने के बाद ये दोनों वापस डिनर करने के लिए आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि मिस्टर वु शुहांग के अफेयर के बारे में जानते थे और हर बार उसकी मदद भी करते थे। ये यहाँ पर टेबल के नीचे से शुहांग के पैरों को टच कर रही थी, तभी सिंडी सूली से सोडा मांगती है जिसे लेने के लिए जैसे ही वो किचन में जाती है तो उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है और वो लड़की उस वक्त उनके डिनर टेबल पर मौजूद है। ये मैसेज पढ़ने के बाद सूली शॉक में चली जाती है और उन तीनों लड़कियों को शक की नज़र से देखने लग जाती है। अब जैसे ही सूली टेबल पर वापस आती है तो पहले जैसी नहीं रही थी। उसके मन में उस मैसेज ने बहुत ज्यादा शक पैदा कर दिया था। वो अपने ही ख्यालों में खो चुकी थी। उसका यहाँ पर ध्यान ही नहीं रहता कि मिस्टर वो उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बोल रहा था। जो चीज जब शुहांग नोटिस करता है तो वो सूली के बदले खुद ही ड्रिंक करने लग जाता है। ये देखकर सभी को लगता है कि वो उसकी केयर कर रहा है, पर सूली अब खुद ही ग्लास उठाकर उसे खत्म कर देती है जिसके लिए सभी लोग चीयर्स करते हैं, पर ये सब वो अपना पेन कम करने के लिए कर रही थी। सभी अब उन दोनों को किस करने के लिए बोल रहे थे तो सूली बिना एक पल गवाए शुहांग को किस कर देती है और उन तीनों के चेहरे को देखने लग जाती है, क्योंकि अगर उसे चीट करने वाली लड़की यहीं पर होगी तो पक्का उन्हें किस करते हुए देखकर उसके चेहरे का हाव भाव बदलेंगे। लेकिन उनमें से किसी के भी एक्सप्रेशन नहीं बदलते और सभी लोग उनके लिए काफी खुश थे। रात में भी अब सूली सो नहीं पा रही थी, उसे उस मैसेज की टेंशन खाई जा रही थी, इसलिए उस अननोन नंबर पर फोन मिलाती है, लेकिन वो फोन बंद आ रहा था। अगले दिन वो ये सारी बातें यिंग से शेयर कर देती है। उसे क्या पता कि जिस पर वो इतना ज्यादा भरोसा कर रही है वही उसकी गुनहगार है। यिंग उससे पूछती है कि क्या तुमने इस बारे में शुहांग से बात की, तो सूली मना करती है कि क्योंकि उससे वो अलर्ट हो जाएगा। यिंग पूछती है कि अगर वो सच में तुम्हें चीट कर रहा है तो क्या तुम उसे डिवोर्स दे दोगी, जिस पर वो हाँ बोलती है और कहती है कि पर उससे पहले मैं उन दोनों को जीना मुश्किल कर दूंगी, जैसे एक बिल्ली चूहे का बेरहमी से शिकार करती है। उसकी ऐसी बातें सुनकर यिंग काफी टेंशन में आ जाती है। तभी एक लेडी वहां पर आती है जिसने यिंग को पहचान लिया था क्योंकि उसने एक टीवी शो में एक्टिंग की थी। यिंग जैसे ही बताती है कि हाँ वो वही लेडी है तो वो लेडी उस पर कॉफी फेंक देती है। असल में उस ड्रामा में यिंग ने एक फैमिली को बर्बाद कर दिया था। उस रोल का सच मानकर वो लेडी उस पर काफी गुस्सा थी, जो सब देखकर वहाँ के स्टाफ उन्हें संभालते हैं। फिर यिंग बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसे लेने के लिए आ रहा है तो उसे जाना पड़ेगा, जहाँ हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड शुहांग होता है। जिसे ऐसी हालत में देखकर शुहांग पूछता है कि ये क्या हुआ है और तुम किसके साथ थी, तो वो उसे बोल देती है कि वो एक फ्रेंड के साथ थी, पर वो फ्रेंड सूली थी, ये उसे नहीं बताती। कुछ देर बाद हम सूली को देखते हैं जो शुहांग का शेड्यूल देखने के बाद उसे मिलने के लिए मीटिंग लोकेशन पर पहुंच जाती है, पर वहां जाकर उसे जाओ की सेक्रेटरी वांग से पता चलता है कि मीटिंग लास्ट मिनट में कैंसिल हो गई। सूली अब उसे शुहांग को फोन करके पता करने के लिए बोलती है कि वो कहां पर हो सकता है। वो उसे फोन लगाने के लिए अपना फोन निकालती है, जिसमें सूली देखती है कि उसने शुहांग का नंबर जाओ के नाम से ही सेव किया हुआ था, पर उसने दोनों नाम में एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस रखा हुआ था। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि उसे डर था कि अगर उसका फोन कहीं पर गुम जाए तो इससे शुहांग का नंबर लीक हो जाएगा। ये चीज सूली को हिट करती है। उसे याद आता है कि उस रात शुहांग ने जो मिस्टर वो का मैसेज दिखाया था उसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस का मार्क था, जबकि उस वक्त जिस मिस्टर वो का उसे कॉल आया था उसमें वो स्पेस गायब था। वो अब गांग से फोन मिलाने के लिए मना कर देती है और बोलती है कि ये मत बताना कि मैं यहाँ पर आई थी। घर आने के बाद सूली चुपचाप बैठी हुई थी, तभी शुहांग वापस आ जाता है। वो उसे बोलता है कि आज मेरा पूरा दिन ना मीटिंग में निकला, और तुरंत ही नहाने के लिए चला जाता है, जिसके पीछे से वो उसका फोन चेक करने के लिए जाती है, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा हुआ था। वो अब रिंग पर लिखे हुए नंबर को जैसे ही फोन में डालती है तो फोन अनलॉक हो जाता है। अब जैसे वो मिस्टर वो वाले कॉन्टैक्ट की चैट्स को खोलती है तो काफी हैरान हो जाती है। एकदम से उसकी सांसें ही रुक जाती है क्योंकि उसमें उसके अफेयर के सारे प्रूफ्स थे, जो सब कुछ वो नहीं झेल पा रही थी कि उसका हस्बैंड, जिसे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करती थी, वो इस तरीके से उसे चीट कर रहा है। पर अभी भी उसे ये बात नहीं पता थी कि वो लड़की असल में उसकी बेस्ट फ्रेंड यिंग है। शुहांग अब जैसे ही बाहर आने वाला था तभी मिस्टर वो के नाम से एक और मैसेज आता है कि प्लीज आज रात आ जाओ, जो देखकर सूली बहुत ही ज्यादा रोती है। तभी शुहांग बाहर आकर बोलता है कि आज मैं खाना बनाऊंगा और हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे, तो वो अपने आंसू छुपाते हुए उसे हाँ बोलती है। वो अब उन सब बातों को याद करती है जब शुहांग ने उसे उनके प्यार के बारे में कही थी। इस सब की वजह से वो इतनी परेशान हो जाती है कि उसकी तबीयत भी थोड़ी बिगड़ जाती है। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो हार मान चुकी है, लेकिन फिर वो एकदम अच्छे से रेडी होती है और अपनी रिंग को उतार देती है। फिर वो चाकू लेकर शुहांग के पास जाती है, जिसे ऐसे देखकर वो काफी डर जाता है, लेकिन वो उसकी मदद करने के लिए वहां पर आई हुई थी। अब डिनर करते वक्त शुहांग काफी रोमांटिक मूड में था।
पर सच को जानने के बाद शूली बिल्कुल भी नहीं थी जिसे ऐसे बर्ताव करता हुआ देखकर वो उसे कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब तुम मुझे प्यार नहीं करते। इस पर वो कहती है कि मैं तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। ये सुनकर वो काफ़ी डर जाता है। तब सूली कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी। दोनों अब वाइन पीते हैं जहाँ सूली बोलती है कि वाइन का टेस्ट आज अलग लग रहा है। तो वो कहता है कि हाँ मैंने ब्रांड को चेंज किया है, लेकिन असल में उसने खाना बनाते टाइम चुपके से उसके ड्रिंक के अंदर कुछ मिला दिया था। उसे पीने के बाद जैसे ही सूली गहरी नींद के अंदर सो जाती है तो शुभांग उसे बेडरूम में सुलाकर वहां से चला जाता है। पर हम देखते हैं कि सूली सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। असल में ड्रिंक पीते वक्त उसने ग्लास में नोटिस कर लिया था कि उसमें कुछ मिला हुआ है। उसे उस मैसेज के बारे में भी याद आता है जिसमें उस लड़की ने उसे आज रात को मिलने के लिए बुलाया था। इसलिए वो समझ जाती है कि वाइन में कुछ गड़बड़ है और वाइन पीने के बाद वॉशरूम में जाकर वॉमिटिंग कर देती है। सूली अब शुहांग का टैक्सी से पीछा करती है जहाँ पीछा करते हुए एक बार में पहुंच जाती है। वहाँ शुहांग के साथ उसकी सेक्रेटरी मिस्टर वो वगैरह भी आए हुए थे। तभी वहाँ पर यंग आती है जो कि शुहांग की गोद में बैठकर उसे किस करती है। ये देखकर सूली को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और वो वहीं पर बैठकर रोने लग जाती है कि कैसे इन सभी लोगों को उसके अफेयर के बारे में पता है, लेकिन सभी लोगों से ये सब बात छुपा रहे हैं। कुछ देर बाद शुहांग और यंग बाहर निकल कर अलग अलग लिफ्ट के अंदर जाते हैं, पर दोनों सेम ही फ्लोर पर उतरते हैं। सूली जब देखती है तो वो दोनों एक प्राइवेट रूम में जाते हैं नाइट स्पेंड करने के लिए, जो देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बिना किसी चीज की परवाह किए बिना रूम की तरफ बढ़ती है और नॉक करने ही वाली थी, लेकिन खुद को किस तरीके से रोक लेती है। अब वो बाहर जाकर एक पब्लिक फोन से पुलिस को कॉल करती है और उनके होटल का रूम नंबर बताकर बोलती है कि वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटी चल रही है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।